समाजवादी पार्टी में सुलह की कोशिशें जारी है। से लेकर कल देर रात तक मुलायम सिंह यादव के घर पर करीब 4 घंटे तक मीटिंग चली। मीटिंग में मुलायम सिंह यादव, अमर सिंह, शिवपाल यादव, अंबिका चौधरी, नारायण राय, ओम प्रकाश सिंह, आशु मलिक और मुलायम के भाई अभय राम यादव भी मौजूद रहे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मीटिंग में मुलायम शिवपाल खेमे के तेवर नरम पड़े। आज मुलायम सिंह यादव पार्टी के दूसरे नेताओं से भी मिल सकते हैं। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर भी चर्चा हो सकती है। समाजवादी पार्टी के 4 बैंक खातों से लेन देन पर फिलहाल रोक लगाई गई है। ये खाते प्रदेश अध्यक्ष के होते हैं। इन खातों में करीब 300 करोड़ रुपए जमा हैं। सूत्रों के मुताबिक नरेश उत्तम के प्रदेश अध्यक्ष बनने के साथ ही शिवपाल यादव ने इन खातों से लेन देन न किए जाने की अर्जी दी थी, जिसके बाद इन पर रोक लगाई गई है। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने अपने समर्थकों के साथ बैठक की और बैठक में मौजूद 211 विधायक और 51 एमएलसी से समर्थन के शपथ पत्र पर दस्तखत कराए, जिसे आज चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी के दोनों पक्षों से 9 जनवरी तक विधायकों, एमएलसी और पार्टी पदाधिकारियों के समर्थन के बारे में जानकारी देने को कहा है। समाजवादी पार्टी के गढ़ इटावा में एसपी जिलाध्यक्ष के बदले जाने से घमासान बढ़ गया है। शिवपाल गुट के वर्तमान अध्यक्ष सुनील यादव के समर्थकों ने पार्टी कार्यालय में प्रदर्शन किया। एसपी प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने कुछ जिलों के वर्तमान जिला कार्यकारिणी भंग कर नए जिलाध्यक्ष नामित किए थे। इटावा में सुनील सिंह यादव के स्थान पर गोपाल यादव को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे में दोनों के समर्थकों में तनातनी बढ़ गई है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले आज दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिन की बैठक शुरू हो रही है। इस बैठक में पूरा फोकस चुनाव में पार्टी का एजेंडा तय करने पर होगा। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में खास रणनीति तैयार की जा सकती है। इस बैठक में नोटबंदी के सरकार के फैसले को सराहा जा सकता है। बैठक में बजट सत्र पहले बुलाने को लेकर मचाए जा रहे हंगामे को लेकर विपक्ष के रूप की आलोचना की जा सकती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक राजनीतिक और दूसरा आर्थिक प्रस्ताव भी पास किया जा सकता है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह उद्घाटन भाषण देंगे, जबकि पीएम मोदी कार्यकारिणी के दूसरे दिन अपने विचार रखेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी मकर संक्रांति के बाद पार्टी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी। चुनाव में स्वच्छता और पारदर्शिता लाने के मकसद से चुनाव आयोग इस पक्ष में है कि उम्मीदवारों को आमदनी का जरिया बताना भी अनिवार्य किया जाना चाहिए। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को नामांकन करते वक्त न केवल अपना बल्कि पति, पत्नी और सभी आश्रितों को ही आमदनी का जरिया बताना अनिवार्य किया जाना चाहिए। आयोग ने यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी है। चुनाव आयोग के मुताबिक उसने कानून मंत्रालय को पत्र लिखकर फॉर्म 26 में संशोधन करने की गुजारिश की है। वहीं चुनाव आयोग ने कहा है कि फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्पॉन्सर एडवर्टाइजमेंट को उम्मीदवारों के कुल खर्च में शामिल किया जाएगा। पंजाब के फिरोजपुर से लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रहे सतपाल कंबोज ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सतपाल कंबोज ने आप पर पैसे लेकर विधानसभा टिकट बांटने का आरोप लगाया है। आपने सतपाल कंबोज को कुछ ही दिन पहले पंजाब लीगल सेल का वाइस प्रेसिडेंट बनाया था। पंजाब के गुरदासपुर में चुनाव आचार संहिता का केस दर्ज किया गया। चुनाव आयोग के फ्लाइंग स्क्वाड को सस्ता आटा दाल स्कीम के तहत अनाज बांटने की खबर मिली थी। फ्लाइंग स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर गेहूं से भरे ट्रक को जब्त कर दिया। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वीके सिंह ने बुधवार को अमृतसर की सेंट्रल जेल और फाजिलका जेल की जांच की। जांच के दौरान फाजिलका जेल में कुछ बाहरी लोग पाए गए। वीके सिंह के आदेश पर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और जेल अधिकारी को भी सस्पेंड कर दिया गया है। 2017 का आम बजट 1 फरवरी को ही पेश होगा। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग केंद्र सरकार से आम बजट पेश करने की तारीख बदलने के लिए नहीं कहेगी। दरअसल बजट केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, इसलिए आयोग इस पर कोई एक्शन नहीं लेगा। पिछले सरकार ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर परंपरा से हटकर एक आम बजट 16 मार्च को पेश किया था।
वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बजट की तारीखों का चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। संतोष गंगवार ने कहा कि बजट से चुनाव प्रभावित नहीं होते, विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं, इसलिए बेवजह बजट को मुद्दा बनाया जा रहा है। बजट की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नोटबंदी के बाद मोदी सरकार के बजट में सबको बड़ी सौगातें मिलने की उम्मीद है। बजट को लेबर क्लास से भी बजट को लेकर बहुत उम्मीदें हैं। खबर है कि बजट में कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स के लिए भी रेगुलर एम्प्लॉय के बराबर ही न्यूनतम मजदूरी देने की घोषणा हो सकती है। साथ ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर वेलफेयर बोर्ड को कई तरह के रेगुलेटरी अधिकार दिए जा सकते हैं। बजट के पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल यानी FSDC की बैठक गुरुवार को हुई। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई बैठक में आर्थिक मुद्दों सहित देश के वित्तीय हालातों पर भी चर्चा की गई। FSDC की बैठक में RBI गवर्नर सेबी, PFRDA, IRDA और FMC प्रमुख भी मौजूद रहे। बजट के पहले हुई इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नोटबंदी पर बड़ा बयान दिया है। प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि नोटबंदी से कुछ समय के लिए इकोनॉमी में स्लो डाउन आ सकता है। हालांकि उन्होंने कहा है कि इससे भ्रष्टाचार और ब्लैक मनी से लड़ने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति ने कहा कि नोटबंदी से लंबे समय में फायदा तो होगा, लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखने की जरूरत कि इस दौरान गरीबों को दिक्कतें ना हो। पुडुचेरी के उपराज्यपाल किरण बेदी और CM वी नारायण सामी के एक सरकारी आदेश को लेकर वो आमने सामने दिख रहे हैं। किरण बेदी ने राज्य सरकार के उस ऑर्डर को रद्द कर दिया जिसमें उसने सरकारी कामों में सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाई थी। किरण बेदी ने कहा कि सरकार का यह फैसला नॉन टेक्नोलॉजी के दौर में ले जाने जैसा है। नारायण सामी ने कुछ दिनों पहले ऑर्डर जारी किया था, इसमें ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए सोशल मीडिया और खासतौर पर व्हाट्सएप पर बैन लगा दिया था। हालांकि CM ने LG के साथ किसी भी मतभेद से इनकार किया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा है। पाकिस्तान के PM नवाज शरीफ ने कश्मीर को पाकिस्तान का अभिन्न हिस्सा बताते हुए कहा है कि कश्मीर में मारे गए हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी को भी उन्होंने करिश्माई नेता बताया है। नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद में दो दिन के इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री सेमिनार ऑन कश्मीर के ओपनिंग सेशन में यह भी दोहराया कि कश्मीर में लड़ रहे आतंकियों को पाकिस्तान का राजनीतिक, कूटनीतिक और नैतिक समर्थन जारी रहेगा। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने संयुक्त राष्ट्र के नए महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को पत्र लिखकर कहा है कि संयुक्त राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि वो कश्मीर के मुद्दे पर न्यायोचित और दीर्घकालिक समाधान में अपनी भूमिका निभाए। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस का इनर और मिडिल सर्कल फरवरी से लेकर अगले 3 महीने तक व्हीकल फ्री होगा। हालांकि बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियों और साइकिल को चलाने की इजाजत दी जा सकती है। कनॉट प्लेस में अगले 3 महीनों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उठाए गए इस कदम का मकसद भीड़भाड़ कम करना है। इस दौरान देखा जाएगा कि इससे ट्रैफिक में कितना असर पड़ा, पैदल चलने वालों और दुकानदारों पर इसका क्या असर पड़ा। इनर सर्कल पर ट्रैफिक बंद करने से आउटर सर्कल के ट्रैफिक पर क्या असर पड़ेगा, इस बात का भी अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद इसे आगे लागू करने या ना करने को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा। मुंबई के रेस कोर्स के एक गेट नंबर 1 पर के पास महिला पर अनजान शख्स ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। पुलिस को शक है कि एक तरफा प्यार के चलते महिला पर यह हमला किया गया। महिला को नायर अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। हमलावर की तलाश जारी है। मुंबई के मनीष मार्केट इलाके के पास फिश मार्केट में आग लगने से हड़का मच गया। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और पानी का टैंकर मौके पर पहुंचा। आग में कोई हताहत नहीं हुआ लेकिन काफी सामान इसमें जलकर खाक हो गया। RPI अध्यक्ष रामदास अठावले ने क्रिकेट के साथ ही दूसरे खेलों को भी आरक्षण लागू करने की मांग की है। इसके अलावा रामदास अठावले ने नए नोटों पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की फोटो छापने की भी मांग की है।
मुंबई में बीएमसी चुनाव से पहले रेलवे स्टेशन के नाम बदलने के मामलों में विवाद हो गया है। जय हो फाउंडेशन नाम की संस्था ने इसकी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक दादर स्टेशन का नाम चैत्य भूमि, एल्फिंस्टन स्टेशन का नाम प्रभा देवी और बांद्रा स्टेशन का नाम बाला साहेब ठाकरे के नाम पर किए जाने की तैयारी की जा रही है। हाल ही में जोगेश्वरी और गोरेगांव के बीच बने नए स्टेशन का नाम राम मंदिर रखा गया। नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा हुए पुराने नोटों की संख्या को लेकर अटकलों पर लगाम लगा दी गई है। आरबीआई के बयान जारी कर कहा है कि नोटों की गिनती अभी भी जारी है। आरबीआई के मुताबिक कितने नोट जमा हुए हैं अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि डिमोनेटाइज हुए कुल नोट का करीब 97% बैंकों के पास वापस आ चुका है। आरबीआई का कहना है कि 30 दिसंबर तक पैसे जमा हुए और देश भर के चेस्ट में पैसे की गिनती जारी है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि बैंकों के पास 14.97 लाख करोड़ डिमोनेटाइज नोट आ चुके हैं। नोटबंदी के पहले 500 और 1000 के 15.4 लाख करोड़ पुराने रुपए सर्कुलेशन में थे। दालों के कारोबारियों ने एक्सपोर्ट पर रोक हटाने की मांग की। दालों की बेहतर पैदावार की वजह से दालों के दाम गिरते जा रहे हैं। हालात ये हैं कि कारोबारी न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम कीमत पर दाल बेचने को मजबूर। दालों के दाम इसी तरह गिरते रहे तो किसानों को दूसरी फसल बेचने के बारे में भी सोचना पड़ेगा। इसे देखते हुए भारतीय दाल और अनाज संघ ने एक्सपोर्ट पर पाबंदी हटाने की मांग रखी है। एचएसबीसी ने भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान 2% तक घटाया। एचएसबीसी ने फैसला नोटबंदी को देखते हुए लिया गया। एचएसबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर दिसंबर में जीडीपी ग्रोथ के अनुमान 5% जताया जा रहा था, वहीं जनवरी मार्च में 6% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृहमंत्री ननकी राम कंवर ने अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ननकी राम कंवर के मुताबिक छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार को रोकने में रमन सरकार नाकाम हो रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृहमंत्री ननकी राम कंवर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिशा में तमाम कोशिशें कर रहे हैं लेकिन करप्शन पर लगाम नहीं लग पा रही है। दफ्तरों में बाबू से लेकर अधिकारियों तक काम के लिए रिश्वत मांग रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने रमन सरकार पर हमला बोला। भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश के किसान चारों तरफ से परेशान है। सरकार ना तो उन्हें सिंचाई के लिए पानी मुहैया करवा पा रही है और ना ही किसानों को धान का बोनस दे पा रही है। भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन भी नहीं कर पा रही है। किसानों की खराब हालत की वजह से ही प्रदेश के सभी जिलों में लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा यात्रा पर बड़े ही आत्मविश्वास से जनता को अनेक संकल्प दिलाए। सीएम ने कहा कि आतंकवाद और कालेधन जैसे मुद्दों पर प्रदेश का मुखिया होने के नाते कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से संकल्प लिया कि नर्मदा के किनारे कोई भी शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। उन्होंने बताया कि मार्च से शराब की दुकान नीलाम नहीं की जाएगी। सीएम ने नरसिंहपुर के एसपी को भी निर्देश दिया कि कोई भी नर्मदा के किनारे शराब बेचते पकड़ा जाए तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कड़ा कदम उठाने का फैसला लिया है। सीएम ने ऐलान किया है कि वो इसके लिए इसी बजट सत्र में कानून बनाएंगे जिसमें दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान होगा। प्रदेश में बेटियों के साथ छेड़छाड़ की घटना पर सीएम ने नाराजगी जताई और अफसरों को तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही जिस्म फरोशी के धंधे पर नकेल कसने के भी निर्देश दिए गए। ग्वालियर नगर निगम को क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने खुले में शौच मुक्त यानी ओडीएफ घोषित कर दिया है। ओडीएफ का प्रमाण पत्र दिए जाने से पहले क्यूआईसी टीम ने शहर के 17 संस्थानों का निरीक्षण किया जिसके बाद निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र में खुले में शौच मुक्त घोषित करने का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर क्यूआईसी टीम ने 22 से 27 दिसंबर तक शहर के 17 इलाकों का निरीक्षण किया था। हालांकि क्यूआईसी टीम के रिपोर्ट पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि शहर में अभी कई जगहों पर खुले में शौच की तस्वीरें देखने को मिल रही है।
मध्य प्रदेश के इंदौर में कैशलेस फिरौती वसूलने का मामला सामने आया है। किडनैपर्स ने एक शख्स को छोड़ने के बदले फिरौती में पेटीएम के जरिए रकम वसूलने की मांग की है। दरअसल इंदौर में सीसीटीवी लगाने वाली कंपनी के इंजीनियर का कुछ बदमाशों ने अपहरण कर लिया। बदमाशों ने पहले कंपनी के किसी इंजीनियर को यूपी के मथुरा में कॉलेज में सीसीटीवी लगवाने के लिए बुलवाया और फिर उसे बंधक बना लिया। बदमाशों ने फिरौती की 30,000 की रकम पेटीएम के जरिए ट्रांसफर करने को कहा। बदमाशों ने पहले 20,000 और फिर 10,000 रुपए पेटीएम के जरिए ट्रांसफर करवाए, फिर बंधक बनाया गया, इंजीनियर को छोड़ दिया। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने लिस्टेड कंपनियों के बोर्ड के इवैल्यूएशन पर गाइडेंस नोट जारी किए। इससे बोर्ड और डायरेक्टर्स का प्रदर्शन जांचने के लिए पैमाना तय होगा। नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी यानी एनआरसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के कार्यकाल पर फैसला लेगी, साथ ही डायरेक्टर्स के कामकाज की समीक्षा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स करेंगे। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी आईटीएटी से शेयर बाजार के एफएनओ ट्रेडर्स के लिए अच्छी खबर। आईटीएटी ने कहा कि किसी ब्रोकर के एफएनओ से और कैश सेगमेंट से हुई कमाई या घाटे को आपस में सेट ऑफ यानी बैलेंस किया जा सकता है। अब तक आईटी डिपार्टमेंट की दलील होती थी कि कैश के सौदे में मुनाफे को कैश से हुए नुकसान के साथ ही एडजस्ट किया जा सकता है। इसी के तहत एफएनक्यू के सौदे में एफएनक्यू से हुए मुनाफे और नुकसान को ही एडजस्ट किया जा सकता है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एक साल के मार्जिनल कॉस्ट आधारित लेंडिंग रेट को 9.40% से घटाकर 8.80% कर दिया है। नई ब्याज दरें 6 जनवरी से लागू। वहीं इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी एमसीएलआर की दरें 0.35% की कमी की है। नोटबंदी के बाद लिक्विडिटी के मोर्चे पर बेहतर स्थिति को देखते हुए बैंक अपने कर्ज सस्ते कर रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस में H-1B वीजा में बड़े बदलाव लाने वाले विधेयक को फिर से पेश किया गया। दो अमेरिकी सांसदों ने प्रोटेक्ट एंड ग्रो अमेरिकन जॉब्स एक्ट विधेयक दोबारा पेश किया है। नए विधेयक में H-1B वीजा के लिए बड़े बदलाव किए गए हैं। इस विधेयक में H-1B वीजा के लिए न्यूनतम वेतन $1,00,000 सालाना और मास्टर डिग्री की छूट को खत्म करने का प्रस्ताव है। सांसदों का कहना है कि इस विधेयक से H-1B वीजा का दुरुपयोग रोका जा सकेगा। डिजिटल पेमेंट फर्म मोबिक्विक विस्तार के लिए 50 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्ट करेगी। इसके साथ ही 1,000 से ज्यादा लोगों को भी हायर करेगी। कंपनी का मकसद अहमदाबाद और लखनऊ जैसे बड़े शहरों में विस्तार करना। कंपनीज के साथ ही 2018 तक करीब 15 करोड़ लोगों तक पहुंचने की तैयारी में है। 2017 की पहली तिमाही में मोबिक्विक 13 शहरों में ऑफिस खोल लेगी। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा कि 2019 तक सेतु भारतम प्रोजेक्ट पूरा होगा। गडकरी ने कहा कि प्रोजेक्ट पर 50,000 करोड़ का खर्च होगा। इसके साथ ही नितिन गडकरी ने कहा कि सभी हाईवेज को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस साल 400 मीटर मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे शुरू करेंगे। नितिन गडकरी ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2017 में 15,000 किलोमीटर को रोड प्रोजेक्ट आवंटित कर देंगे। मौजूदा वित्त वर्ष में 6,843 किलोमीटर के रोड प्रोजेक्ट आवंटित किए गए हैं।